हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो उज्जैन क्षेत्र में चल रहे रेलवे के विकास कार्यों पर आधारित है। इस लॉकडाउन में इन विकास कार्यों पर जो भी प्रभाव पड़ा है उस विषय में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, उज्जैन क्षेत्र में जो चार विकास कार्य रेलवे द्वारा किए जा रहे थे उन विकास कार्यों पर मैंने इस वीडियो पर एक कवरेज बनाई है, तो वह मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। दोस्तों, उज्जैन व उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों में रेलवे के 1100 करोड़ के काम अटके हुए हैं, जिन्हें एक साल आगे बढ़ा दिया गया है, जिनकी डेडलाइन एक साल आगे बढ़ा दी गई है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जो काम लगभग पूरे होने वाले थे उन्हीं कार्यों को पूरा किया जाएगा, यानी कि जो कार्य 80-85-90% तक पूरे हो चुके हैं उन्हीं कार्यों को पूरा कंप्लीट किया जाएगा, बनाया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं दोस्तों कि लॉकडाउन के कारण हमारे देश में आर्थिक गतिविधियाँ बंद हो चुकी थी, और लॉकडाउन लगने के बाद रेलवे के विकास कार्यों की गति भी बंद हो गई थी। कहीं कहीं पर हल्का फुल्का कार्य किया जा रहा था। रेलवे अधिकारियों के अनुसार सिर्फ वही कार्य पूरे किए जाएंगे जो लॉकडाउन के पहले काफ़ी हद तक पूरे होने की स्थिति में थे। इनका प्रस्ताव भी रेलवे अधिकारियों ने पश्चिम रेलवे के हेडक्वार्टर को भेज दिया है, और जो भी लंबी समय अवधि वाले कार्य थे उन सभी कार्यों को 1-2 साल के लिए टाल दिया गया है। अब जो चार उज्जैन क्षेत्र के आसपास विकास कार्य चल रहे थे हम उनकी चर्चा करते हैं कि उनकी आने वाली दिनों में स्थिति क्या रहेगी, क्या वो बनेंगे या अधूरे ही छूट जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो नंबर आता है वह आता है उज्जैन से फतेहाबाद के मध्य चल रहे गेज परिवर्तन कार्य का। दोस्तों, ये 250 करोड़ के बजट से गेज परिवर्तन का कार्य हो रहा है, और यह लाइन 23 किलोमीटर लंबी है, जो कि पूरा लगभग कार्य इसमें हो चुका है। सिर्फ 5% के करीब का कार्य बचा होगा, जो कि अभी लॉकडाउन खुलने के बाद यह कार्य भी काफ़ी जल्दी निपटा लिया जाएगा। जैसे ही लॉकडाउन लगा था वैसे ही जो प्रवासी मजदूर थे वे लोग अपने अपने घर चले गए थे, और यह काम थोड़ा रुक गया था। पर जैसे ही लॉकडाउन खुला है तो इन प्रवासी मजदूरों के आने से यह कार्य भी 1 महीने के अंदर अंदर पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों, उज्जैन फतेहाबाद गेज परिवर्तन कार्य से जुड़ी एक खुशखबरी यह है कि उज्जैन से चित्तौड़गढ़ तक चलने के लिए मेमू ट्रेन का प्रस्ताव जो रेलवे को दिया गया था उसे हरी झंडी मिल गई है, और यह मेमू ट्रेन वाया फतेहाबाद होते हुए रतलाम चित्तौड़गढ़ पहुंचेगी। अब बात करते हैं उज्जैन से इंदौर तक चल रहे रेल लाइन दोहरीकरण कार्य की। इस कार्य की पूरी लागत 750 करोड़ रुपए के करीब है, और यह काम अभी आधा भी नहीं हो पाया है। उज्जैन से करछा तक काम लगभग पूरा हो चुका है लाइन दोहरीकरण का। इस पूरे कार्य की लागत है 20 करोड़ रुपए, और उज्जैन से करछा तक की दूरी है मात्र 18 किलोमीटर। करछा स्टेशन पर बन रहे फुटओवर ब्रिज का कार्य भी अभी अधूरा पड़ा हुआ है। इंदौर से करछा तक का लाइन दोहरीकरण का कार्य अगले 1-2 साल बाद ही चालू हो पाएगा। दोस्तों, इसी कड़ी में नाम आता है जोनल सेंटर के रेलवे इंस्टीट्यूट का, जो आगर रोड पर बन रहा था। यहाँ पर बहुमंजिला इमारत का भी निर्माण किया जा रहा था। इसकी लागत थी 50 करोड़ के करीब की। दोस्तों, इस जोनल ट्रेनिंग सेंटर का टेंडर भी निकलने वाला था, पर अब इसे रोक दिया गया है। उज्जैन व उज्जैन के आसपास के क्षेत्र का यह तीसरा कार्य था रेलवे का जो लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुआ है। इसके अलावा दोस्तों,
उज्जैन से नागदा जाने वाले रेल रूट पर गंभीर नदी पर बन रहे ब्रिज का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। 28 करोड़ की लागत से इस ब्रिज को बनाया जा रहा है। करीब एक महीने में यह ब्रिज भी बनके पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो यह थे वह चार कार्य जो उज्जैन व उज्जैन के आसपास के क्षेत्र में रेलवे द्वारा किए जा रहे थे। इनमें से कुछ कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा और कुछ कार्यों को एक दो साल बाद जिनकी फिर से शुरुआत की जाएगी। अगर ये वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।